हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ज्ञान केश महासागर शिक्षा सिंधु में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग अपने चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? तो सबसे पहले हम एक टर्म यहाँ पर बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दो टर्म्स हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर, अभी तक आपने जो बात की, हमने अभी तक जो समझा डिवाइसेस के बारे में, इनपुट के डिवाइसेस, आउटपुट के डिवाइसेस, सीपीयू के बारे में समझा, रैम की बात की हमने, मेमोरी की बात की, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, सीडी, डीवीडी वगैरह। तो ये सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको आप फिजिकली देख सकते हो, फिजिकली आप इनको टच कर सकते हो, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यानी जो भौतिक रूप से हमारे सामने हैं। तो ये सारे ऐसे डिवाइसेस, ऐसे कंपोनेंट्स जो आपके सामने हैं, यानी कि जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो प्रेजेंट हैं, हम जिनको छू सकते हैं, वो सब क्या हैं? हार्डवेयर। जैसे आपका कंप्यूटर का मॉनिटर, आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड, माउस, रैम, हार्ड डिस्क, ये सब के सब क्या हैं? हार्डवेयर है। प्रिंटर, स्कैनर वगैरह वगैरह। तो जिनको आप छू सकते हो वो हार्डवेयर, और जिनको आप छू नहीं सकते, जिनकी वर्किंग को आप देख सकते हो, वो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमेशा कहाँ दिखेगा आपको, कहाँ मिलेगा? तो कंप्यूटर के इंटरनल प्रोसेसिंग्स में आपको सॉफ्टवेयर का काम नज़र आएगा। सॉफ्टवेयर कहीं नज़र नहीं आता है। सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड आपने खोला, तो वर्ड, एमएस वर्ड की विंडो आपको नज़र आ रही है, उसमें आप कुछ भी बटन प्रेस करोगे तो आपको वो काम होता हुआ नज़र आएगा, बट उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। दैट मीन्स यू कैन नॉट टच इट। आप उसको टच नहीं कर सकते हो, हाथ में नहीं ले सकते हो, आप उसको कंप्यूटर से बाहर नहीं निकाल सकते हो। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस हैं। सॉफ्टवेयर्स आर बेसिकली इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू द कंप्यूटर। किसी भी काम को करवाने के लिए, हम कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं, तो उस काम को करवाने के लिए हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हम हमारा जो कंप्यूटर है वो काम किसके हेल्प से कर रहा है? सॉफ्टवेयर की हेल्प से। दैट मीन्स ये हुआ कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंपोनेंट है जो इस हार्डवेयर को चलाता है। क्लियर? हार्डवेयर जो फिजिकल कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, उनको चलाएगा कौन? सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि बिना इंस्ट्रक्शंस के, बिना निर्देशों के, बिना कमांड्स के, आपका जो कंप्यूटर है वो डल है, वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकता। एक कंप्यूटर हो और बिल्कुल ब्लैंक हो, जिसमें कुछ भी नहीं है, जैसे विंडोज़ नहीं है, सबसे सिंपल बात अपन समझें, एक कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ नहीं है, तो क्या आप समझ सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि वो कंप्यूटर वर्क करेगा? या आप ऐसा समझें, इसको आपका मोबाइल फ़ोन है, और उस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड ही नहीं है, या एप्पल का है, जैसे मैक का जो ओएस आता है वो है ही नहीं, और आपके पास में मोबाइल बिल्कुल ब्लैंक है, तो क्या वो मोबाइल स्विच ऑन भी होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हार्डवेयर को चलाने वाला कौन है? सॉफ्टवेयर। तो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर को, हम कंप्यूटर को बताते हैं कि ये काम कैसे करना है। कोई भी वर्क है, कोई भी प्रोसेसिंग है, कोई भी तरह का मैनिपुलेशन है डेटा के साथ, वो कैसे करना है
वो हम बताएंगे इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को जब एक साथ हम इकट्ठा कर देते हैं और एक सीक्वेंस में हम उसको लेकर आ जाते हैं तो ये बन जाता है प्रोग्राम। और यही प्रोग्राम जब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो होते हैं जो एक बड़े काम को पूरा करते हैं वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैन बी अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम और अ सिंगल प्रोग्राम। एक अकेला प्रोग्राम भी एक सॉफ्टवेयर का काम कर सकता है या फिर एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलकर उसका काम कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर मे बी अ प्रोग्राम और अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। एक सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है या फिर प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन हो सकता है जो क्या करता है किसी भी एक काम को पूरा करता है, किसी भी एक वर्क को कंप्लीट करता है। जैसे एग्जांपल एंटीवायरस, आपने नाम सुना है, आपने एमएस ऑफिस का नाम सुना है। एमएस ऑफिस के अंदर, एमएस ऑफिस एक पूरा सूट है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब आते हैं। तो जैसे एमएस वर्ड है उसमें आप टाइपिंग करते हैं, एक्सेल है तो उसमें आप शीट्स बनाते हैं, एंटीवायरस है तो वो वायरस को चेक करता है। जैसे आपके मोबाइल में आप ऐप्स डाउनलोड करते हो, अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप हमने डाउनलोड कर रखी है, तो ये ऐप्स, ये सॉफ्टवेयर, ये ऐप क्या है, ऐप इज अ सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं, ये एक पर्टिकुलर काम को पूरा करवाते हैं, वो है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ हमने बात कर ली सॉफ्टवेयर के बारे में। अब इसकी नीड जो है, तो अभी हम जो बात कर रहे थे इसकी ज़रूरत कहाँ है, सॉफ्टवेयर की नीड कहाँ है। ज़रूरत कहाँ है सॉफ्टवेयर की, तो अभी हमने जैसे बात की, सिंपल बात है कि हार्डवेयर से अगर आपको कोई काम करवाना है तो किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसकी ज़रूरत क्या है हमको, टू गेट अ वर्क डन फ्रॉम हार्डवेयर। हार्डवेयर से कोई भी काम करवाना है तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की। दूसरा, सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन मैन एंड मशीन, या हम यू कहते हैं यूजर्स एंड मशीन्स। तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से कुछ भी काम करवाना है तो हमको ज़रूरत पड़ने वाली है सॉफ्टवेयर की। दूसरा, सॉफ्टवेयर जो है वो आपके और डिवाइस के बीच में, यानी आपके और कंप्यूटर के बीच में एक कड़ी का काम करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर आप अपने मशीन से बात कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर से बात कर सकते हो। जैसे आप विंडोज़ होता है हमारे कंप्यूटर में, हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो विंडोज़ सबसे पहले ओपन होता है। अगर ये विंडोज़ सबसे पहले ओपन नहीं होगा तो क्या हम कंप्यूटर से कोई भी काम करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे। विंडोज़ हो या कोई भी और सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होगा, चाहे वो लिनक्स हो चाहे और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, अगर आप अपने कंप्यूटर को ऑन करेंगे और उसमें वो सॉफ्टवेयर चला ही नहीं है ही नहीं, तो कंप्यूटर से आप अपना काम कैसे करवाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म आपको देता है, एक कड़ी के रूप में हमारे और मशीन के बीच में, यानी ह्यूमन एंड कंप्यूटर दोनों के बीच में एक कड़ी का रूप काम करता है सॉफ्टवेयर। क्योंकि हार्डवेयर को हम नहीं समझ सकते या हार्डवेयर से हम डायरेक्टली काम नहीं ले सकते,
हार्डवेयर को काम लेने से हार्डवेयर का से जो है काम करवाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, एक आपको एक जगह दे देगा जहाँ पर आप अपनी मशीन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, आप अपनी मशीन से कोई भी काम करवा सकते हो। तो इस वजह से हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स की, तो एक चार्ट के फॉर्म में हम इसको समझते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीन तरह के सॉफ्टवेयर यहाँ पर हम देख रहे हैं। सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद प्रोग्रामिंग टूल्स, और उसके बाद में आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सबसे पहले हम इसको समझें। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और हमको एक प्लेटफॉर्म देते हैं वर्क करने के लिए, और सीधे सीधे वो मशीन के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, सीधे सीधे उनका ताल्लुक जो है वो मशीन के साथ डायरेक्ट होता है, कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट उनका जो है इंटरेक्शन रहता है। तो नाम ही है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो सबसे नज़दीक है कंप्यूटर के और जो कंप्यूटर से डायरेक्टली अपना काम करवाएंगे, तो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे पहला एग्जांपल जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा अभी अपन ने बात की थी, विंडोज़, लिनक्स, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़िम्मेदार है। ये हमारे कंप्यूटर के हर हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो मेमोरी हो, रैम हो, सीपीयू हो, फाइल्स को सेव करवाना है, फाइल्स को वापस लेकर आना है, रिट्रीव करना है, मेमोरी का मैनेजमेंट है, कंप्यूटर को चलाने के लिए जो भी कुछ आवश्यक है वो सारा काम कौन करते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। जैसे अभी अपन पहले ये एग्जांपल बात कर रहे थे कि हमारे मोबाइल के अंदर जैसे आपका एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एप्पल का है तो वो iOS या मैक है, कंप्यूटर के अंदर भी हम बात करें तो विंडोज़ या लिनक्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब ऐसे सिस्टम है, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे कंप्यूटर को रन करते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं। तो इनका काम जो है, इनको हम ही आगे डिस्कस करेंगे, हम डिटेल में काफ़ी डिस्कस करेंगे अभी आगे इसको। दूसरा जो हमारा है वो है यूटिलिटीज़। तो यूटिलिटीज़ जो हैं ये क्या हैं, तो यूटिलिटीज़ आर द स्मॉल प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे छोटे सॉफ्टवेयर हैं जो क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी हैं, मेंटेनेंस करवाएंगे हमारे डेटा को, हमारे कंप्यूटर को वो मेंटेन करते हैं। मेंटेन करने का मतलब जैसे एंटीवायरस, इसका बहुत कॉमन एग्जांपल हम बात करें, एंटीवायरस यूटिलिटी है। तो एंटीवायरस क्या करता है, हमारे कंप्यूटर पे वायरस नहीं आ जाए उससे बचाता है, मतलब वायरस से बचाएगा, और वायरस अगर होंगे तो उसको डिटेक्ट करेगा, उसका पता लगाएगा कि वायरस हैं या नहीं है, और अगर वायरस होंगे तो उनको हटाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी का काम कौन कर रहा है, एंटीवायरस कर रहा है, वायरसेस से बचा रहा है। तो ऐसे ही मेंटेनेंस के जो दूसरे काम हैं, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनको हम यूटिलिटीज़ बोलते हैं। जैसे चेक डिस्क हो गया, या हार्ड डिस्क को स्कैन करने के लिए कोई यूटिलिटीज़ हैं, तो कई तरह की यूटिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं जो हमारे कंप्यूटर को मेंटेन करती हैं, हमारे डेटा को मेंटेन करती हैं, बैकअप्स के लिए कई सारी यूटिलिटीज़ हैं। तो इस तरीके से ये जो यूटिलिटीज़ हैं
ये हमारी हेल्प करती हैं कंप्यूटर को मैनेज करने में, मेंटेन करने में। उसके बाद में जो तीसरी कैटेगरी यहाँ पर आती है वो है डिवाइस। ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो डिवाइस ड्राइवर का मतलब सिंपल हम समझ रहे हैं इसको, डिवाइस ड्राइवर यानी डिवाइस को चलाने वाला। किसी भी कोई भी हमने कंपोनेंट अटैच किया हमारे कंप्यूटर के साथ, जैसे हमने पेन ड्राइव लगाई, तो उस पेन ड्राइव को चलाने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी हमारे कंप्यूटर में। आप लोगों को महसूस नहीं होता होगा, लेकिन जब भी कभी आप नोट करोगे, पहली बार आप कोई भी पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में डालोगे, तो उस पेन ड्राइव के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है अपने आप, ऑटोमेटिकली होता है, और साइड में आप कई बार उसको नोटिफिकेशन भी दिखता है, योर पेन ड्राइव इज़ रेडी टू यूज़, और ऐसा कुछ मैसेज भी आते हैं। तो पहली बार जब आप डालोगे तो वो इंस्टॉल करेगा, उसके बाद जब भी आप डालोगे तो वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए सीधा आपका पेन ड्राइव काम करना चालू करेगा। तो इसी तरीके से कोई भी डिवाइस आप अटैच करते हो, जैसे आपने कोई नया माउस लगाया, नया कीबोर्ड लगाया, आपने कोई नया मॉनिटर इंस्टॉल किया, आपने कोई भी कार्ड चेंज किए लगाया कंप्यूटर पे, आपने आपने कोई प्रिंटर लगा दिया कंप्यूटर पे, आपने कोई स्कैनर लगाया कंप्यूटर पे, तो हर डिवाइस के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो जब भी आप इन किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर से अटैच करोगे, तो एक ड्राइवर इंस्टॉल होगा और वो ड्राइवर उस डिवाइस को चलाएगा, इसीलिए इसका नाम है डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट कैटेगरी में हम आते हैं प्रोग्रामिंग टूल्स। तो प्रोग्रामिंग टूल्स के अंदर जो है, हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कमांड्स देते हैं, तब कंप्यूटर काम करता है। तो कमांड्स और ये इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं हम, वो किसी ना किसी एक प्लेटफॉर्म पे जाकर तो हमको वो कमांड्स देने होंगे, इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, तो उसी को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि हम कंप्यूटर की भाषा को नहीं समझते, कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक ऐसा माध्यम है जो हम अपनी बात अपने कंप्यूटर को समझा सकते हैं, हम कंप्यूटर को बता सकते हैं कि हम ये करवाना चाहते हैं, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस देना है, कमांड्स देना है, वो सारा एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए होगा, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे हम इसका क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरीके से है, एक तो लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। ये दो जनरेशन्स आप कह सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं, इसमें दो तरह की लैंग्वेजेस यहाँ पर आती हैं, एक तो है मशीन लैंग्वेज और दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज क्या है? तो हमने पहले भी बात की कि कंप्यूटर जो हमारा है वो सिर्फ जीरो और वन की भाषा समझता है, बाइनरी लैंग्वेज में ये काम करता है। तो कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ समझ में आता है जीरोस और वंस। अब ये जो जीरो और वन है, अब अगर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना चाहें, कोई कमांड्स देना चाहें, तो हम किस तरीके से दे सकते हैं? उसी जीरो वन की भाषा में, अगर हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्शन दें, तो
तो हम किस में देंगे, जीरो और वन की लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो ये जो मशीन लैंग्वेज है ये एक्चुअली जीरो और वन की लैंग्वेज है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ही, जीरोज़ और वंस के अंदर ही हम कंप्यूटर को सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कमांड्स देते हैं। अब आप सोचिए कि अगर हमको सब चीज़ें, सारे इंस्ट्रक्शन, सारे कमांड, जैसे मान लीजिए हमको एक इंस्ट्रक्शन देना है ऐड, दो नंबर्स को ऐड करवाना है, तो उसके लिए हमको इंस्ट्रक्शन देना है ऐड, यानी प्लस करना है। तो उसके लिए आप 010101 के कोड्स में अगर इंस्ट्रक्शन देते हो तो बहुत मुश्किल होगा इसको याद रखना, बहुत मुश्किल होगा इस प्रोग्राम को मेंटेन करना। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज बनी वो ये मशीन लैंग्वेज थी, जिसमें ज़ीरो और वन की भाषा में ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे। लेकिन ड्रॉबैक ये था इसका कि इसको याद रखना बहुत मुश्किल है, इसमें प्रोग्राम लिखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बड़े प्रोग्राम बनते और उनको डिबग करना, यानी कि बाद में उनको मेंटेन करना, उसमें कोई एरर आ जाए तो वो गलतियां निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए डेवलपमेंट हुआ असेंबली लैंग्वेज का। अब असेंबली लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे कोड्स यूज़ किए गए, निमोनिक कोड्स हम इनको कहते हैं। तो इन कोड्स का यहाँ पे यूज़ किया गया, निमोनिक कोड्स का यूज़ किया गया। इन कोड्स के अंदर क्या था कि जो यहाँ 01 की भाषा में जो भी हम लिख रहे थे उसको कुछ कोडिंग कर दी गई, जैसे ऐड आपको करवाना है, प्लस करवाना है दो नंबर, तो उसके लिए एक कोड दे दिया ADD ऐड, या ऐसा कुछ भी और भी कोई कोड दे दिया। तो इस तरीके से क्या कोड्स के अंदर जो है यहाँ पे प्रोग्रामिंग होती है। तो फिर भी इजी हो गया कि भाई हर चीज़ के लिए कोड याद करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, सिंबल्स याद करने, कोड याद करने, चलेगा, याद हो जाएंगे, थोड़ा इजी हो गया। लेकिन यहाँ भी ड्रॉबैक ये था कि ये जो दोनों लैंग्वेजेस हैं ये मशीन डिपेंडेंट हैं, मशीन डिपेंडेंट हैं, मतलब ये कि एक मशीन के लिए आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो दूसरी मशीन पे नहीं चल सकता। तो पोर्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोग्राम को आपने सब तरह की मशीनों पे चला दिया, तो पोर्टेबिलिटी नहीं है इन दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। फिर डेवलपमेंट हुआ हाई लेवल लैंग्वेजेस का। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर क्या हुआ, इसका मेजर बेनिफिट ये हो गया कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज ये हो गई, अपनी नॉर्मल भाषा के जैसी ये भाषा हो गई, जो हम आसानी से समझ सकें, यूज़र आसानी से उसके ऊपर काम कर सकता है। ये जो है बिल्कुल नॉर्मल हम जैसी भाषा बोलते हैं उसी तरीके से हम कोड भी लिखते हैं, प्रोग्रामिंग भी करते हैं। दूसरा यहाँ पर एक बेनिफिट यहाँ हो गया पोर्टेबिलिटी का, प्रोग्राम जो हो गए वो पोर्टेबल हो गए, मतलब प्रोग्राम जो थे मशीन डिपेंडेंट नहीं रहे, मशीन इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब इसको एक प्रोग्राम को आपने किसी भी मशीन पे लिखा है उनको आप मल्टीपल मशीन्स पे यूज़ कर सकते हो। तो पोर्टेबिलिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो इस तरीके से ये जो हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप हुई। अब जो हैं यहाँ पर बात आती है कि चाहे असेंबली लैंग्वेज हो चाहे हाई लेवल लैंग्वेज हो, प्रोग्राम किस में लिखा जा रहा है, यूज़र की भाषा में, मशीन की भाषा में तो नहीं लिखा जा रहा। मशीन की भाषा क्या है, ज़ीरो और वन, लेकिन ये प्रोग्राम किस में लिखे जा रहे हैं, कोड्स के फॉर्म में या फिर कोई इंग्लिश जैसी कोई लैंग्वेज में लिखे जा रहे हैं। तो अब ये जो लैंग्वेज है, चाहे ये हो चाहे ये हो, इसमें कोई भी प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उसको कंप्यूटर तो नहीं समझ सकता। तो अब क्या करें, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये लिखे किसके लिए जा रहे हैं, कंप्यूटर के लिए लिखे जा रहे हैं, और कंप्यूटर को ये अगर समझ में नहीं आया तो फिर मतलब क्या होगा इसका। तो इसलिए फिर इनको क्या करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरत होती है
एक टूल की जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं ये क्या करते हैं, चाहे असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम हो चाहे हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम हो, उसको कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में। तो ये क्या करते हैं, प्रोग्राम जो है चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज का है या असेंबली लैंग्वेज का है, उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। उस सोर्स कोड को ये क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके बीच में कौन है, यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। यानी ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है ये क्या करेंगे, आपका जो सोर्स कोड था मतलब आपने जो प्रोग्राम लिखा है अपनी भाषा में या असेंबली लैंग्वेज में कोड्स के थ्रू, आपने जो प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम को ये क्या करेगा, मशीन की भाषा में ट्रांसलेट करेगा। यानी कंप्यूटर को समझ में आ जाए ऐसी भाषा में वो ट्रांसलेट कर देता है, मतलब मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1 की भाषा, तो वो ये क्या करेगा, उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसी को कंप्यूटर समझ सकता है। यहाँ सिंपल एक एग्जांपल अगर अपन लें डेली लाइफ का, तो अपन एक बात करते हैं कि जैसे इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव, चाहे प्रधानमंत्री है या कोई भी है, वो जाते हैं मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री में, जापान चले गए। अब इंडिया वालों को जापान की लैंग्वेज नहीं आती और जापान वालों को इंडिया की लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो क्या करते हैं, वो बीच में एक पर्सन, ऐसा पर्सन होता है जो उनकी लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा और हमारी लैंग्वेज को उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। तो ऐसा ही काम ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स करते हैं। ये भी क्या करते हैं, हमारे कोड को, हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी जो हैं वो 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं ये असेंबलर्स। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए काम में आते हैं। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो हैं वो क्या करते हैं, दोनों ही के दोनों हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों की वर्किंग में, क्या होता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर देता है, उसको ट्रांसलेट कर देता है और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो एरर्स हैं, उन सबको एक साथ लिस्ट आउट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करते हैं, इंटरप्रेटर आपके उस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन स्कैन करते हैं। पहले फर्स्ट लाइन पे आया, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो एरर दे दी, उसको रिमूव करेंगे तब सेकंड लाइन पे जाएगा, फिर सेकंड लाइन ठीक है थर्ड लाइन पे जाएगा, थर्ड लाइन ठीक है फोर्थ पे जाएगा। अब फोर्थ लाइन में मान लीजिए कोई दिक्कत हो गई, कोई एरर है, कोई गलती हो गई, तो पहले वो एरर मैसेज देगा, उसको ठीक करोगे तभी वो अगली फिफ्थ लाइन पे जाएगा। तो ऐसे इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन स्कैन करता है प्रोग्राम को, और कंपाइलर क्या करते हैं, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देते हैं। पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करेगा, एक साथ ये एरर्स दिखाएगा और जैसे ही आप सबको रिमूव कर दोगे ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही कन्वर्ट कर देता है। तो ये 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। आगे
इसी कैटेगरी में, प्रोग्रामिंग टूल्स की ही कैटेगरी में डेवलपमेंट टूल्स आ जाते हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। इसमें सिंपली जो इंटरफेस जहां पर आप प्रोग्रामिंग करते हो वो जो है वो यहां पर आते हैं डेवलपमेंट टूल्स के अंदर। यानी ऐसे प्रोग्राम या ऐसे इंटरफेस, ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर हम प्रोग्रामिंग कर सकें। प्रोग्रामिंग करने के लिए हमको फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करवाते हैं, ये टूल्स प्रोवाइड कराते हैं। जैसे इनको सिंपली हम IDE बोलते हैं, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये जो IDE हैं, हर प्रोग्राम हर लैंग्वेज के लिए अलग IDEs जो है वो होते हैं। कुछ लैंग्वेजेस कॉमन IDE शेयर भी करती हैं। तो ये जो IDE होते हैं, ये जो डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये क्या करते हैं, ये आपको टूल्स प्रोवाइड करवाते हैं प्रोग्राम को बनाने के लिए, प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए, उसको डीबग करने के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए, ये सारी फैसिलिटीज़ ये देते हैं। इसीलिए इनका नाम है प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। प्रोग्राम को डेवलप करवाने के लिए जो टूल्स प्रोवाइड करवाए वो। तो ये जो IDEs हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ आपको और अच्छे समझ में आएगी। तो IDE जो होता है वो एक इंटरफेस है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप प्रोग्रामिंग करते हो। तो इस तरीके से समराइज कर सकते हैं अपन इसको। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो तरह की हो गई, लो लेवल और हाई लेवल। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स तीन हो गए, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, और IDEs जो हैं प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल्स। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप दो कैटेगरीज यहाँ पे कह सकते हैं। एक तो है जनरल पर्पस और दूसरा है कस्टमाइज्ड। तो जनरल पर्पस, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, जनरल पर्पस मतलब क्या कि जो कॉमन है, जो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए यूज़ हो सकते हैं। जैसे MS Word कोई भी यूज़ कर सकता है किसी भी काम के लिए। जैसे आप टाइपिंग करना है या कोई टेबल्स बनानी है या कोई फिगर्स बनाने हैं तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। जनरल पर्पज़ सबके लिए है, एक जैसा है, सबके लिए काम आता है। ऐसे ही MS Excel आप जैसे यूज़ करते हो या कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो जो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए एक जैसा है, वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। और कस्टमाइज मतलब क्या, इनको आप टेलर्ड सॉफ्टवेयर भी अपन कहते हैं। कस्टमाइज या टेलर्ड सॉफ्टवेयर क्या हो गए, जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। कि भाई मेरी एक शॉप है और मैं अपनी शॉप की वर्किंग के हिसाब से अपना एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाता हूँ, तो वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो गए। तो इस तरीके से स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी भी पर्टिकुलर यूज़ के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर बनवाते हो या बनाते हो, वो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है। और जनरल पर्पस यानी जो सबके लिए कॉमन है, एक जैसा सबको काम आएगा। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को इस तरीके से आप बांट सकते हो। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। आज का वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा, इसको रिपीट कीजिएगा, एक दो बार इसको देखिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स ऑल्सो। सो थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।